सभी को नमस्कार। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम बात करेंगे किसी स्कैटरिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। नया मेथड है जिसे हम कहते हैं लिपमान श्विंगर इक्वेशन, है ना। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, लिपमान श्विंगर इक्वेशन, ठीक है। लिपमान श्विंगर इक्वेशन देखो क्या करेगी। सबसे पहली बात है कि लिपमान श्विंगर इक्वेशन है वो प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम इन इंटीग्रल फॉर्म। इन जो सॉल्यूशन आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन की टर्म में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, लिपमान श्विंगर इक्वेशन है वो यूजफुल है किसके लिए, यानी दिस इक्वेशन इज यूजफुल फॉर हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कि भाई, जैसे मैंने डेफिनेशन कह दी, यहां मैं क्या कह सकता हूं कि लिपमान श्विंगर इक्वेशन कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम इन इंटीग्रल फॉर्म। दूसरी बात, लिपमान श्विंगर इक्वेशन इज यूजफुल फॉर हाई एनर्जी स्कैटरिंग प्रोसेस। या मैं और भी अगर मैं लिख दूं कि वेयर ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स स्कैटर्स एप्रिशिएबली, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं कि एक इक्वेशन मैंने डिफाइन कर दी कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। टाइम इंडिपेंडेंट हमने पहले भी कहा था कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई जो इंटरेक्शन टाइम है वो हमारे पास कैसा है, बहुत ही कम है, है ना। तो हम क्या लिखते हैं इक्वेशन, क्या लिखते हैं हम इक्वेशन लिखते हैं कि डेल स्क्वायर आ गया प्लस वैल्यू आ गई के स्क्वायर आ गया इंटू वैल्यू आ गई साई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू यू आ गया अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर और वैल्यू आ गई साई आर आ गया, है ना। के स्क्वायर है इसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी का फंक्शन है कि टू म्यू यू ई अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर आ गया। अब इसी इक्वेशन को देखो, हमने एमएससी प्रीवियस में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वेशन पढ़ते हैं दो तरह के, तो लाप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं और एक पॉइजन इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो पॉइजन इक्वेशन का फॉर्मेट और इस इक्वेशन का फॉर्मेट जो है वो हमारे पास कैसा है, सेम है। तो मैं क्या लिखूं, पॉइजन इक्वेशन देखो आप कैसे डिफाइन करते हो, डेल स्क्वायर फाई कुस्ट वैल्यू आती है माइनस वैल्यू आ गई फोर पाई रो, माइनस फोर पाई रो, जैसे इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर वन है और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर टू है, है ना। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम क्या कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हम डिफाइन करते हैं किसकी टर्म में, ग्रीन फंक्शन की टर्म में हम डिफाइन करते हैं। किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, डेल स्क्वायर आ गया जी आ गया और वैल्यू आ गई आर और वैल्यू आ गई आर आ गया रिक्वेस्ट वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई फोर पाई और वैल्यू आ गई डेल क्यूब आर आ गया। या मैं क्या कहता हूँ इसको ऐसा लिख दूं, डेल स्क्वायर आ गया जी आ गया आर माइनस आर डैश इक्वल टू माइनस फोर पाई डेल क्यूब आ गया और वैल्यू आ गई आर माइनस आर डैश, है ना। ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन कर दिया। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँ ना, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस फोर पाई रो, है ना, सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन यदि मैं लिखना चाहूँ, तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं कि फाई आ गया इंटीग्रेशन आ गया डी क्यूब आर डैश वैल्यू आ गई जी आर माइनस आर डैश और वैल्यू आ गई रो और वैल्यू आ गई आर डैश, है ना। जी आर माइनस आर डैश इसके बराबर आता था वन अपॉन वैल्यू आ गई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश के इक्वल्स, है ना। तो मैं कहूँ कि अगर मैं डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालू तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो वैल्यू आ गई डी क्यूब आ गया और वैल्यू आ गई आर डैश वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर वैल्यू आ गई जी आर माइनस आर डैश और वैल्यू आ गई रो और वैल्यू आ गई आर डैश के इक्वल। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस वैल्यू आ गई कितना है, माइनस वैल्यू आ गई फोर पाई आ गया इंटीग्रेशन आ गया डी क्यूब आर डैश आ गया और वैल्यू आ गई डेल क्यूब आर माइनस आर डैश और वैल्यू आ गई रो आ गया वैल्यू आ गई आर डैश आ गया। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या आ गई, इस डेल्टा फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ गई, है ना, यानी डेल क्यूब आर माइनस आर डैश रो आर डैश। तो ये क्या कर देगा, आर डैश को शिफ्ट कर देगा कहां पर, आर पर। तो वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर फाई आ गया इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस फोर पाई रो आ गया। तो देखो ये जो इक्वेशन है, यानी ये जो पोटेंशियल आया
फाइव इक्वल टू डी क्यूब आर डैश और जी आर माइनस आर डैश और वैल्यू आ गए रो आर डैश, ये जो पोटेंशियल है ये क्या कर रहा है माइनस फोर पाई रो, इस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल फाइव है पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस पोटेंशियल कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन। तो जिस तरीके से पॉइजन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हम ग्रीन फंक्शन की टर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने लिखी है इसका सोल्यूशन भी हम ग्रीन फंक्शन की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करें, हमने कहा कि भाई जो इक्वेशन हमने लिखी वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हमने, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन हमने डिफाइन करी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और वैल्यू आ गई साई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू वी अपॉन वैल्यू आ गई एच का स्क्वायर। अब सॉल्यूशन हम कहते हैं कि साई आर हमने पहले डिफाइन किया था, वैल्यू थी हम कहाँ निकालते हैं फार फ्रॉम स्कैटरिंग सेंटर, हमने वैल्यू बताई थी साई इंसिडेंट प्लस वैल्यू आई थी साई स्कैटर्ड या साई आर, वैल्यू थी आर टेंस टू इनफाइनाइट पर वैल्यू थी ई रेस्ट टू पावर आयोटा के आर आ गया और प्लस वैल्यू आ गई एफ थीटा फाई अपॉन वैल्यू आ गई आर और ई रेस्ट टू पावर वैल्यू आ गई आयोटा के डॉट आर आ गया, है ना। एफ थीटा फाई क्या था, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को मेंशन कर रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी डेल स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई के स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई साई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू और वैल्यू आ गई यू अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर और वैल्यू आ गई साई आर। ठीक है, हम कहें कि जिस तरीके से हमने एक पोटेंशियल फाई आर को डिफाइन किया ग्रीन फंक्शन के टर्म में और वो क्या कर रहा था पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, उसी तरीके से हम एक सॉल्यूशन मान लें इस इक्वेशन का, मैं कह दूं जैसे एक इक्वेशन मैंने ग्रीन फंक्शन के टर्म में कह दिया कि डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और वैल्यू आगे जी आर माइनस आर डैश इक्वल्स टू मैंने डिफाइन कर दिया डेल क्यूब आर माइनस आर डैश डिफाइन कर दिया और श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्रीन फंक्शन के टर्म में डिफाइन कर दिया मैंने टू म्यू अपॉन एच को स्क्वायर इंटीग्रेशन आ गया डी क्यूब आर डैश आ गया और वैल्यू आ गई जी आर माइनस आर डैश या आर आर डैश लिखी वैल्यू आ गई यू आ गया आर डैश आ गया और वैल्यू आ गई साई और वैल्यू आ गई आर डैश, यानी मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने ये डिफाइन कर दिया ना इंटीग्रेशन की टर्म में और ग्रीन फंक्शन की टर्म में, अगर ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो सपोज इट इसको मैंने कह दिया इक्वेशन वन दे दिया इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू दे दिया, अगर ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन टू है वो इक्वेशन वन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम देखो ट्राई करते हैं इस इक्वेशन पे, मैंने ऑपरेटर ऑपरेट करा दिया डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ऑपरेट करा दिया। ठीक है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेट करा दिया किसके ऊपर साई आर पर मैंने ऑपरेट करा दिया, तो देखो वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बन गई ट्वाइस म्यू अपॉन एच को स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन आ गया डी क्यूब आर डैश और वैल्यू आ गई जी आर आर डैश लिख दूं या आर माइनस आर डैश लिख दूं, वैल्यू आ गई कितना बना और डेल स्क्वायर भी आ गया ना, यहाँ हमने ऑपरेट करा दिया डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ऑपरेट करा दिया और वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई साई आर डैश या क्या लिख दिया मैंने डेल स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई के स्क्वायर इंटू साई ऑफ आर इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर, है ना। ऊपर वाली टर्म को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई के स्क्वायर वैल्यू आ गई जी आर माइनस आर डैश वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई साई आर डैश। अब डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अगर ग्रीन फंक्शन पे और ऑपरेट होता तो हमने क्या कहा था वैल्यू आएगी डेल क्यू आर माइनस आर डैश, दैट मीन्स वैल्यू कितनी बनी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई टू म्यू अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर इंटीग्रेशन आ गया डी क्यू आर डैश आ गया और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश और ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेट हुआ तो वैल्यू आ गई डेल क्यू आर माइनस आर डैश और वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई साई साई आर डैश आ गया या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई टू म्यू अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर और वैल्यू देखो ये कितना बना, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई डिराक डेल्टा फंक्शन की, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, फोन कर लो इनको, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यू आर आ गया और वैल्यू आ गई साई आर आ गया। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन क्या बनी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई टू म्यू अपॉन एच को स्क्वायर और वैल्यू आ गई यू आर और वैल्यू आ गई साई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई था उसकी वैल्यू हमने ग्रीन फंक्शन में डिफाइन करी और हमने कहा कि भाई वो पोटेंशियल था पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था,
है ना। उसी तरीके से जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया किसकी टर्म में, ग्रीन फंक्शन की टर्म में डिफाइन किया, और वो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब साई आर इक्वल टू, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या हुआ, एक सॉल्यूशन होगा ना। इसी इक्वेशन को मैं कहूं दोबारा मैं लिख दूं इसको, यानी इक्वेशन है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और वैल्यू आ गई हमारे पास साई आर इक्वल टू वैल्यू आ गई 2μ/h² इनटू वैल्यू आ गई u, और वैल्यू आ गई साई और वैल्यू आ गई r आ गया। और इसका सॉल्यूशन ग्रीन फंक्शन की टर्म में हमने कहा कि वैल्यू आ गई 2μ/ वैल्यू आ गई h² इंटीग्रेशन d³r′, और वैल्यू आ गई gr-r′ आ गया, और वैल्यू आगे कितना लिखा था हमने, वैल्यू लिखी थी हमने यू आर डैश, और वैल्यू लिखी थी हमने साई, और वैल्यू आ गई आर डैश आ गया। ठीक है, अब हम कहें कि भाई हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, अगर पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। एक ही सॉल्यूशन हमारे पास डिफाइन करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन टू मेक द सॉल्यूशन यूनिक, है ना। हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा लिख दिया है ना, साई जीरो आर आ गया, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने लगा दिया, 2μ/h² वैल्यू आ गई d³r′ आ गया, और वैल्यू आ गई gr′ आ गया, और वैल्यू आ गई u, और वैल्यू आ गई r′, और वैल्यू आ गई साई आर डैश आ गया। तो जिस तरीके से साई आर ये सॉल्यूशन था इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, उसी तरीके से ये सॉल्यूशन भी क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई कब करेगा, तब करेगा जब डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई जीरो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी बने, जीरो के इक्वल बने। ठीक है, जीरो के इक्वल बने, इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यू आर इक्वल टू वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, है ना। यू आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होना चाहिए, यानी हमें कोई भी स्कैटरिंग इस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा बन गया, बिफोर द स्कैटरिंग वाला केस बन गया, यानी साई जीरो आर इक्वल टू, है ना, कब निकाल रहे हैं, जब पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो ये फैक्टर कितना बना, ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर आ गया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या लिख सकता हूँ, साई आर इक्वल टू वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर, प्लस वैल्यू आ गई 2μ/ वैल्यू आ गई h² इंटीग्रेशन आ गया d³r′ आ गया, और वैल्यू आ गई gr r′ आ गया, और वैल्यू आ गई ur′ आ गया, और वैल्यू आ गई साई आर डैश के इक्वल आ गया ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, देखो साई आर हमने कहा था लार्ज कंडीशन में ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट आर आ गया, प्लस वैल्यू आ गई साई स्कैटरिंग एज ए फंक्शन ऑफ आर, और r टेंस टू इनफाइनाइट है, k डॉट r आ गया, प्लस वैल्यू आ गई f थीटा फाई, और वैल्यू आ गई e रेज टू पावर आयोटा के r अपॉन वैल्यू आ गई r आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करें तो साई r इक्वल टू, ये तो हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया, बिफोर द स्कैटरिंग, यानी जो इंसिडेंट हमारे पास पार्टिकल्स थे उनके कोरस्पॉन्डिंग जो हमने वेव डिफाइन करी थी उसके लिए इक्वेशन आ गई, और ये जो प्लस में जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया, साई स्कैटर्ड फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब साई स्कैटर्ड फंक्शन जो है वो कितना बन गया, कंपेयर कर दें तो 2μ/ वैल्यू आ गई h² वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ d³r′, और ग्रीन फंक्शन की टर्म में r r′ लिख दें, r-r′ लिख दें, वैल्यू आ गई ur′ आ गया, और वैल्यू आ गई साई r′ आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, है ना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम, और इसी इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं कौन सी इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं कौन सी इक्वेशन, लिपमान स्विंगर इक्वेशन। ठीक है, और इसी लिपमान स्विंगर इक्वेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, एक ग्रीन फंक्शन है ना जो gr r′ जो हमने डिफाइन किया, इसकी वैल्यू को और डिफाइन करेंगे। तो जनरली एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से कि बाय यूजिंग द ग्रीन फंक्शन मेथड है ना डिड्यूस द वेव फंक्शन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम, यानी अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम में हमें इस ग्रीन फंक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और ग्रीन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, साइज स्कैटर्ड को हम यहां रखकर हम टोटल वेव फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।